सो मैं वापस स्वागत है एक फ्रेश वीडियो में। इस वीडियो में आपसे बताऊंगा कि कैसे अपना व्हाट्सअप का अकाउंट आप बना सकते हैं किसी बाहर के कंट्री के नंबर से। अब बहुत सारे भाई कमेंट में लिख रहे हैं कि उनका व्हाट्सअप का अकाउंट नहीं बन रहा है, जैसे ही वो नंबर डाल रहे हैं उनको नंबर गलत बता दिया जा रहा है या फिर नंबर कहीं से वैलिड भी मिल रहा है तो उनको वहाँ पर OTP नहीं मिल रहा है। इस वीडियो में आपको स्टेप बाई स्टेप करके दिखाऊंगा और आपको बताऊंगा कि कैसे आपको वैलिड नंबर मिलेगा। वीडियो के साथ बने रहना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि आगे भी आपको इस तरह से इस चैनल पर वीडियो देखने को मिलता रहेगा। सो गाइज, अब बहुत सारे दोस्त कमेंट कर रहे हैं कि जो लिंक मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ टेलीग्राम पर तो वो रीडायरेक्ट उनको प्ले स्टोर पर कर रहा है। सो गाइज, मैं बता दूँ, मैं वैसा ही लिंक दे रहा हूँ जो कि आपको प्ले स्टोर पर लेकर जाएगा। तो इस वीडियो में जो आपको मैं एप्लीकेशन दूंगा उसका भी डाउनलोडिंग लिंक मैं आपको टेलीग्राम पे ही दूंगा। तो अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो फटाफट आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें क्योंकि जो एप्लीकेशन इस वीडियो में यूज करूँगा जहाँ से आपको नंबर मिलेगा उसका लिंक भी आपको टेलीग्राम पर ही मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइज, मैं सबसे पहले व्हाट्सएप एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। एग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे और आपको सबसे पहले इसमें कंट्री को चेंज करके यूनाइटेड स्टेट रखना होगा, ठीक है, क्योंकि हमें आज जो नंबर मिलेगा यूनाइटेड स्टेट का ही मिलेगा और इसी के नंबर से हम अपना व्हाट्सएप का अकाउंट आज क्रिएट करेंगे और आपको भी मैं बताऊँगा। सबसे पहले यहाँ पर मैं स्प्लिट स्क्रीन कर लेता हूँ, यानी कि फ्लोटिंग विंडो, एक स्क्रीन में डबल स्क्रीन यहाँ पर ओपन हो जाता है। उसके बाद अपना जो टेक्स्ट नाउ एप्लीकेशन है इसको मैं ओपन करूँगा। आप लोग देख सकते हैं इसको मैं ऑलरेडी साइन अप कर चुका हूं, लेकिन यहां पर मैं नंबर को चेंज करूंगा और यहां से मैं एक दूसरा नंबर ले लेता हूं ताकि आप लोग को मैं दिखा सकूं कि आप टेक्स्ट नाउ एप्लीकेशन में भी कैसे दोबारा नंबर ले सकते हैं, ठीक है। यहां आप देख सकते हैं कि डबल विंडो यहाँ पर चल रहा है। सेटिंग में चलेंगे टेक्स्ट नाउ एप्लीकेशन के, उसके बाद ये जो अकाउंट का ऑप्शन बना हुआ है यहाँ पर क्लिक करेंगे, स्क्रॉल करके थोड़ा सा ऊपर जाएंगे। यहाँ पर अब आपको नंबर दिखाई देगा, टेक्स्ट नाउ नंबर, यहाँ पर क्लिक करने के बाद राइट साइड टॉप में तीन डॉट बना हुए हो वहाँ पर क्लिक करके रिलीज नंबर पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से हम यस के ऊपर क्लिक करेंगे। अब हमें यहाँ पर अपना जो डू नॉट यूज लोकेशन का एक ऑप्शन बना हुआ है यहाँ पर क्लिक करेंगे। यूज माई लोकेशन पर अभी क्लिक नहीं करना है, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम एरिया कोड डालेंगे, हमें देखना होगा कि नंबर मिल रहा है या फिर नहीं। 725 एरिया कोड डाल रहा हूँ, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। सो गाइस, देख सकते हैं आप ये नंबर मिल गया आसानी से। अगर नंबर नहीं मिलता है तब आप जा कर के इसका लोकेशन आप दे सकते हैं। अब मैं अपना यहाँ जो व्हाट्सअप का जो अप्लीकेशन है इस पर मैं क्लिक करता हूँ और सबसे पहले एक नंबर को मैं यहाँ चेक करता हूँ, ठीक है, और चेक करके मैं देखता हूँ कि हमें यहाँ पर ये जो नंबर है वैलिड है या फिर इनवैलिड। सो मैंने यहाँ पर एक नंबर चेक किया तो एक नंबर तो यहाँ पर इनवैलिड मिल गया। इसके बाद मैं जो दूसरा नंबर है इसको मैं चेक करता हूँ। अब यहाँ पर मैं देखता हूँ कि नंबर ये वैलिड है या फिर इनवैलिड। सो गाइज, आप देख सकते हो ये नंबर वैलिड है और अपना जो व्हाट्सअप का अप्लीकेशन है इसके नंबर से क्रिएट हो जाएगा। अब आपको एक काम करना है, टेक्स्ट नाउ एप्लीकेशन में जो नंबर सही है उसको सिलेक्ट करना है, ठीक है। वीडियो को केयरफुली वॉच कीजिए, इसी तरह से आपको नंबर को चेक करना होगा। OTP कैसे मिलेगा अभी मैं आपको बताता हूँ। तो आप लोगों ने समझ लिया होगा कि नंबर को कैसे चेक करना है कि वैलिड नंबर मिलेगा। अगर आपको टेक्स्ट नाउ एप्लीकेशन को साइन अप करने में कोई दिक्कत आ रही है तो मेरे चैनल पर विजिट कीजिए, प्लेलिस्ट चेक कीजिए, आपको वहाँ पर मैं स्टेप बाई स्टेप बताया हूँ कि अगर टेक्स्ट नाउ सेकंड लाइन में कोई प्रॉब्लम है तो आप कैसे उसको फिक्स कर सकते हैं। यहाँ पर अब मैं एक काम करता हूँ, ओके पर मैं क्लिक कर लेता हूँ क्योंकि ये नंबर वैलिड है व्हाट्सअप एप्लीकेशन में, ठीक है। अब हमें यहाँ पर OTP नहीं मिलेगा, आप देख सकते हैं SMS के जरिए, क्योंकि यहाँ पर OTP को लॉक कर दिया गया है। यहाँ पर स्प्लिट स्क्रीन को मैं हटाता हूँ और अब मैं आपको यहाँ पर सिंगल स्क्रीन में बिल्कुल सही तरीके से समझा देता हूँ। अब आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि टाइमिंग ख़त्म होने जा रहा है। रिसेंट SMS के आगे जो टाइम चल रहा है वो तो है, लेकिन कॉल मी के आगे का जो टाइमिंग है वो ख़त्म होने वाला है। कॉल मी का ऑप्शन जो है अब इनेबल हो चुका है। अब हमें एक काम करना है, कॉल मी के ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जो हमारा टेक्स्ट नाउ एप्लीकेशन है उसके ऊपर व्हाट्सअप की तरफ से एक कॉल भेजा जाएगा। आप देख सकते हैं इस कॉल को मैं रिसीव कर लेता हूं। स्पीकर को मैं ओपन करूंगा ताकि हमें यहां पर जो OTP है सही तरह से सुनाई दे। इस OTP को हम सिंपल यहां पर फिलअप कर लेते हैं, ठीक है। इसी तरीके को अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो आसानी से आपका व्हाट्सअप का अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। स्प्लिट स्क्रीन करने का ये मतलब बन रहा है कि अगर आप स्प्लिट स्क्रीन नहीं करते हैं तो जो सेकंड लाइन या फिर जो टेक्स्ट नाउ एप्लीकेशन है इसमें नंबर ऑटोमेटिक रिफ्रेश हो जाता है। अगर आप बार बार कभी व्हाट्सअप ओपन करेंगे, कभी सेकंड लाइन या फिर टेक्स्ट नाउ, तो वहाँ पर नंबर रिफ्रेश होते रहेगा तो आप सही तरह से नंबर को चेक नहीं कर पाएंगे। इसलिए बेटर ये होगा कि स्प्लिट स्क्रीन आप ज़रूर ओपन कर लें व्हाट्सअप एप्लीकेशन का नंबर चेक करने के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वही नंबर है
जिस नंबर को मैंने टेक्स्ट एप्लीकेशन में ऐड किया था जो कि हमें फ्री में मिला था। और उसके बाद आपको एक काम करना है, व्हाट्सएप एप्लीकेशन का जब भी आप फेक अकाउंट बनाएं तो यहां से टू स्टेप वेरिफिकेशन ज़रूर इनेबल कर लें, ठीक है। तो अगर आप टेलीग्राम का एप्लीकेशन ज्वाइन कर लिए हैं तो टेक्स्ट एप्लीकेशन का डाउनलोडिंग लिंक आपको वहीं पर मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं वीडियो तुम्हें पसंद आएगी, तो लाइक कीजिएगा।